सराफा बाजार की तंग सड़कों पर मालवाहकों का प्रवेश रोकने और बाजार क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सराफा एसोसिएशन के सदस्य नगर निगम कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। इस दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष राजा सराफ ने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग पूरी कराने की मांग की। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि सराफा बाजार में व्यापारी बरसों से बेतरतीब पार्किंग और यातायात में बाधा उत्पन्न हो रहे कारणों से प्रभावित हो रहे हैं। इसे लेकर कई बार एसपी, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक व्यापारियों की समस्या का निराकरण नहीं किया गया। उनका कहना है कि उनकी मांगे शीघ्र ही पूरी की जाएं। वहीं महापौर जगत बहादुर सिंह ने एसोसिएशन के सदस्यों को यह विश्वास दिलाया है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। विषय है कि ये इतने समय के बाद एक बार सारे व्यापारी संघ इकट्ठा होकर उन्होंने मुझसे बात की और मैंने उनसे कहा कि हम लोग बैठना चाहते हैं। उन्होंने कहा हम ज्ञापन लेके आपके पास आएंगे। उनको चूंकि हमारे संभ्रांत नागरिक हैं, व्यापारी हैं, तो दरवाजे पे खड़े होके वो ज्ञापन नहीं हो सकता। उनको साथ बैठकर हम लोगों ने चाय पी और चर्चा की और आप इस बात का विश्वास मानिए कि समाधान की ओर एक बहुत बड़ा कदम आज बढ़ चुका है। हमारे शहरी क्षेत्र में जो पार्किंग की अव्यवस्था है, जो यातायात की अव्यवस्था है, उसको व्यवस्थित करने के लिए अगर व्यापारी संघ इस बात को तय कर लेते हैं तो प्रशासन के लिए बहुत आसान है कि हम लोग उनके बताए हुए रास्ते अनुरूप वहाँ पर व्यवस्था जमा दें। और निश्चित तौर पर एक बैठक हम लोग की 26 तारीख को होगी, एक दौरा कार्यक्रम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 28 तारीख को होगा और निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ठोस निर्णय अब निकलेगा। वर्षों से, दशकों से जो हमारे व्यापारी भाई परेशान हैं, उसको लेकर ठोस निर्णय के साथ अमली जामा पहनाया जाएगा। आने वाले समय में यातायात और पार्किंग व्यवस्था और बाकी अन्य छोटी बड़ी व्यवस्थाओं को लेकर वहाँ पर उनका निराकरण करके और सभी व्यापारी बंधुओं के हिसाब से वहाँ पर कार्य किया जाएगा। आज सराफा एसोसिएशन ने अपने करीब सैकड़ों व्यापारियों के साथ महापौर, नगर निगम कमिश्नर और यातायात को यहाँ आकर ज्ञापन दिया। जो सराफा बाजार की वर्षों पुरानी मांग है, जिसके कारण हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है, हमारी रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ है, उन सब मांगों को लेकर आज हमने महापौर और प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन दिया। उसमें मुख्य रूप से जो मालवाहक वाहन के कारण दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है, उसके कारण लगातार व्यापार प्रभावित हो रहा है। हमने प्रशासन के सहयोग के लिए आग्रह किया आज अपने मांग पत्र में कि दुकानों के बाहर वो मार्किंग कर दें, कि हम भी उस व्यवस्था को अपनाएं, हमारे व्यापारी भी उस व्यवस्था को अपनाएं और उस मार्किंग के अंदर सारे वाहन रहें या अन्य तो कोई भी सामग्री है मार्किंग के अंदर रहे। अगर उसके बाहर रहती है तो लगातार आप चालानी कार्रवाई करें। हमारे जो सराफा एसोसिएशन है उसमें कभी विरोध नहीं करेगा। तीसरी हमसे सबसे महत्वपूर्ण मांग थी कि जो उत्तर मध्य मुख्य रूप से सराफा और कमानिया फुहारा में चारों साइड से फोर व्हीलर बंद कर दिए। आप देखिए सुपर मार्केट में बंद है, अंधेर दो में बंद है, करमचंद चौक में बंद है, पांडे चौक में बंद है, फोर व्हीलर आ नहीं पाता। और सराफा में आपको मालूम है कि ग्राहक कार से आता है, परिवार के साथ आते हैं, निश्चित रूप से इसके कारण हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। तो आज हमने मांग की है कि सुपर मार्केट वाला वन वे खोला जाए और दूसरी तरफ से बंद किया जाए। तो ये तीन मांग है और हमने मांग ये भी की है कि सराफा में करीब 500 व्यापारी हैं और 500 व्यापारी के करीब 2 से 2500 वाहन टू व्हीलर वाहन रहते हैं जो पार्किंग दुकानों के सामने लगाते हैं। आप हमें सशुल्क पार्किंग की व्यवस्था दें, चाहे थोड़ा सा दूरी भी होगी तो हम उस पार्किंग को सशुल्क लेने के लिए तैयार हैं, जिससे कि यातायात सुगम हो और लोड कम हो। निश्चित रूप से हमारी ये मांग बहुत पुरानी है, जिसके कारण हमारा प्रभावित हो रहा है और आज हमने ज्ञापन के माध्यम से महापौर और प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह किया है कि अब हमारी रोजी रोटी के संकट के ऊपर आ गया है, लगातार हमारा व्यापार प्रभावित हो रहा है। अब अगर एक महीने के अंदर ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो हम आंदोलन की राह पकड़ेंगे और इस बार हम आंदोलन नए तरीके से करेंगे। हम अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे, हम नगर निगम के सारे टैक्स देना बंद कर देंगे, हम सड़कों पर उतरकर मालवाहक वाहन खुद रोकेंगे, हम सड़कों पर उतरकर यातायात व्यवस्था खुद देखेंगे, ये सारी व्यवस्था हम खुद करेंगे।